जैसे कि यहां पे कुछ नाम्स मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब नाम में क्या है कि मेरे पास इनके आईडी प्रूफ्स है, जैसे कि पैन कार्ड, अच्छा जैसे कि वोटर आई कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, पर मुझे यहाँ पे स्टेटस को शो करना है। अब प्रॉब्लम है कि किसी से आईडी प्रूफ मांग रहे हो तो अभी कंपलसरी नहीं है कि सारे देना है, कोई एक देना है, मांग कोई एक देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाई कर दिया, यहाँ वाई कर देते हैं इस तरह से, यहाँ पे वाई। तो इसके लिए हम और का एक या एक से ज्यादा, कोई कुछ लोग दो भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर ए इक्वल टू वाई है कॉमा, देन इक्वल टू वाई है कॉमा, इसको सेलेक्ट किया इक्वल टू वाई है, और इसको सेलेक्ट किया इक्वल टू वाई। अगर सारे वाई है तो और क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि तो इसमें एंड तो लगेगा नहीं। फिर यहां पे हम इफ का फॉर्मूला लगा के इसको स्टेटस जो हम शो करना चाहते हैं, जैसे कि ओके, पेंडिंग वगैरह वगैरह, तो यहां दे सकते हैं कि ओके आ जाए और यहां पे पेंडिंग आ जाए, और इसको नीचे तक ड्रैग कर। रिजल्ट आ गया सर, ठीक है। अब इसी चीज को इफ से कैसे करेंगे कि इफ कॉल इफ इफ, और हमने बोला कि अगर ए इक्वल टू वाई तो यहीं पे ओके, अगेन फिर सेलेक्ट किया कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो यहीं पे हमने किया ओके। तो आप बस कंडीशन चेक करते जाओ और ओके ओके करते जाओ। अगेन इफ सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, तो अब ओके के जगह पे कुछ और चीजें भी दे सकते हो अपने हिसाब से। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया पेंडिंग, और ब्रैकेट क्लोज करने के झंझट नहीं, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एंटर प्रेस करते ही ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और नीचे तरफ ड्रैग कीजिए आपके सामने। तो अब जब आपके पास ओके और पेंडिंग एक फाइनल रिजल्ट होगा तो आप क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। लेकिन आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट है तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो अलग, मतलब अब मैं चाहता हूं कि पैन नंबर होना ही चाहिए और इन तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, तो यहां पे सिर्फ और एंड नहीं लगेगा, यहां और नहीं लगेगा, यहां पे एंड और लगेगा, क्योंकि तो एक कंपल्सरी है। तो जो कंपल्सरी है, जो रिक्वायर्ड है, उसको हम लिख देंगे y। फिर यहां पे अगेन if दिया, इसको सिलेक्ट किया, बोला अगर a इक्वल टू y है तो अगेन if, इसको सिलेक्ट किया, बोला दैट इज इक्वल टू y, देन if, इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू y, देन नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ एंड के साथ और देना है ना, माफ कीजिएगा। वाई कॉमा, ठीक है, रिजल्ट आ गया ट्रू फॉल्स। तो ट्रू कब आएगा, जब दो होगा। और अगर मान लीजिए हमने दो इसमें दे दिया, इसमें हम एक ही दिए, तो देखिए फॉल्स।
समझ गया सर। अब इसी चीज को आप अगर नेस्टेड इफ से लगाएंगे तो देंगे कि इफ पैन नंबर तो होना ही होना चाहिए, उसके बाद फिर वापस इफ का फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे अगर ए इक्वल टू वाई है, दो हो गया तो पैन नंबर मिल गया और ये वाई मिल गया वोट रिजल्ट दे देगा ओके। अगेन इफ हम इसको सिलेक्ट करेंगे बोलेंगे अगर ए इक्वल टू वाई हो तो अगेन ओके, इफ अगर ए इक्वल टू वाई हो तो यहां पे अदरवाइज पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग होने के चांसेस सिर्फ एक बार। नहीं एक बार नहीं कई बार है ना, यहां भी आपको देना पड़ेगा पेंडिंग। और यहां भी देंगे हम पेंडिंग। एक ही देना माफ कीजिएगा, एक ही देना। फॉल्स आ रहा है। तो इस इफ के टू पार्ट में है, हाँ यहाँ कॉमा एक लास्ट वाला ब्रैकेट में यहाँ करना है। ठीक है, तो अगर दो वाई हुआ यहां दोनों जगह पे वाई हुआ तो क्या है? तो देखिए यहां पे समझिए, हमने बोला कि भाई यहां पे कैसे वर्क कर रहा है चेक कीजिए। हमने बोला कि अगर ये ट्रू है ना तो अगले इसको फॉरवर्ड करे, नहीं तो इस वाले पेंडिंग को शो करे। फिर मैंने बोला अगर ये ट्रू है तो इसको सिलेक्ट बताओ, नहीं तो फिर इसको फॉरवर्ड करो, इसको शो करो, नहीं तो इसको फॉरवर्ड करो, इसको शो करो, नहीं तो इसको शो। समझ आया सर जबरदन जी कि नहीं? अब इसी का हम लोग जैसे कि यहाँ स्लैब कर सकते हैं कि मुझे अगर सेल्स है तो यहाँ इंसेंटिव देना है, और इंसेंटिव में क्या है कि मेरे पास स्लैब है, स्लैब है कि 0 to 40 हुआ तो यहाँ पे 500, 41 to 80 हुआ तो यहाँ पे 1000, और यहाँ 81 to 100 हुआ तो 1500 या 2000, और ग्रेटर देन 100 हुआ यहाँ पे 5000। ठीक है सर, क्लियर है? यस सर क्लियर। डाउट इसमें है? नहीं। अब इसको यहां हम कैसे करेंगे? तो सेम इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो जस्ट 500 दे दो, अगर नहीं तो फिर अगेन एक इफ लगेगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1000 दे, अदरवाइज एक और इफ लगेगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000, अदरवाइज इफ अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो यहां पे 5000, और रिजल्ट आपके सामने आए। समझ गया?
आया समझने के लिए सर? जयवर्धन जी यस सर। तो इस तरह की इफ के ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है? यस yes, सर। अब इफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं जो आपको करने, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चंस है आपके सामने कि अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40। मुझे यहाँ कमीशन देना है कि हर नंबर को क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना है, बट 60 से ऊपर होना चाहिए। इसको आप इफ से भी करना है और इसको आपको विदाउट इफ करना है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, सेम अगर 40 से ऊपर है तो पास और फेल। क्वेश्चन नंबर थ्री अगर 200 से ऊपर है तो स्टडी अदरवाइज लोकल। तो क्वेश्चन नंबर फोर अगर एमआरपी 500 से ऊपर है तो 12% टैक्स चाहिए, अदरवाइज 5% टैक्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव अगर टाइम 10 बजे से ऊपर की है तो ओटी अदरवाइज एनटी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स इन सबों का रिजल्ट जो कल मैंने बताया था ग्रेटर देन 30 है, 33 है तो पास अदरवाइज फेल। इसको एंड यूज करके और नेस्टेड इफ करके दोनों लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे आपको ग्रेड देना है इस स्लैब के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेवन आपको यहाँ पे इंसेंटिव देना है इस स्लैब के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नाइन अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे पैन वाई होना चाहिए, अदर में से कोई एक होना चाहिए वाई, इसको यस करना है और इसको नो करना है। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन मैंने यहाँ बनाया हुआ है और यहाँ समझाया हुआ है। ये इंसेंटिव क्वेश्चन नंबर एट जो आपने किया है इसी का है, बट क्वेश्चन नंबर एट में इंसेंटिव हमारा फिक्स है बट यहाँ फिक्स नहीं। जैसे कि अगर किसी ने 35 किया तो उसको 20 रुपए के हिसाब से देना है, या किसी ने 45 लिया तो उसको पहले 40 20 रुपए के हिसाब से है और फिर 5 जो है 60 रुपए के हिसाब से है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स कैलकुलेशन और बिजली बिल कैलकुलेशन, ठीक है सर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें, भेजें। जब आपसे नहीं होगा तो फिर मैं देखता हूं। ठीक है, तो आपकी ईमेल आईडी क्या है जयवर्धन जी? ठीक है, ये फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है सर? करके भेजिए।